मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सीटेड का प्रीवियस ईयर जो है उसका डिस्कशन हम करेंगे, जो चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा स्टाइल, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड जिसे इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी कहते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसका क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। 30 क्वेश्चन आता है। 21 जनवरी 2022 के पेपर का डिस्कशन करेंगे, सीटेट पेपर 1-5 का। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है, तो इसका 30 क्वेश्चन का इसका डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, विकास शरीर के केंद्र भाग से बाहर की ओर होता है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? इसका ऑप्शन जो है वो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से ये सही है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा, इसका आंसर होगा अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। चौथा क्वेश्चन जो आपका है फोर्थ नंबर पे, लॉरेंस क्वेहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो प्रथम प्रथापूर्व चरण को दर्शाता है, इसका ये आंसर होगा। पाँचवें नंबर पर, अधिगम संकल्पों को सुधार करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, इसका यह सही होगा। तीसरा नंबर, छठा क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, किसका व्याख्या करता है? संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है। छठे नंबर, सातवें नंबर पे आएंगे, सातवें क्वेश्चन पे, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं, अध्यापक की एक व्यक्ति उदाहरण किसका उदाहरण? जेंडर पक्षपात का उदाहरण हुआ सीधा सीधा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो पुस्तकें और पत्रिका, निकटस्थ परिवार, माता पिता, कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी, कौन सा इसमें आंसर होगा? इसमें निकटस्थ परिवार ये होगा। दसवां नंबर जो आपका देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञा विकास सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है? तो इसका जो आंसर होगा आपका तीसरा होगा, 7-11 साल। 11वें नंबर, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, इसका आंसर आप देखते हैं चौथा होगा, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। 12वां क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापक अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? तो 12वें नंबर का आंसर देखेंगे हम, समस्या, तीसरा आंसर होगा, समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? 13वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर चौथा सही होगा। चौथा है, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। फिर उसके बाद 14वां नंबर, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो आपका होगा 14वें का, वो आत्मसात्करण या समावेशन ये होगा इसका उत्तर। फिर उसके बाद 15वां क्वेश्चन, भाषा एवं विचार पर लियो वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? तो 15वें का जो आंसर होगा आपका, पहला होगा, भाषा संज्ञान विकास को निर्देशित करती है। फिर उसके बाद 16वें नंबर,
बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार साध्य किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका, पहला होगा अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। फिर उसके बाद 17वें नंबर का, गुड़ज बैकल सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? तो 17वें का जो आपका आंसर होगा वो चौथा होगा, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। फिर 18वां नंबर आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय में आर्थिक से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? तो ये 18वें नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो तीसरा होगा आपका, क्या है, साम्यता पर आधारित। फिर 19वां जो क्वेश्चन है आपका, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? तो 19वें का जो आपका आंसर होगा वो चौथा होगा, बहुल रूप से। फिर 20वां आपका, शिक्षा की समकालीन नीति के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? 20वें नंबर का आपका आंसर होगा दूसरा, समावेशी शिक्षा। फिर उसके बाद 21वां क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 21वां क्वेश्चन इसका आंसर होगा दूसरा, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों और गलतियां अप्रासंगिक हैं। फिर उसके बाद आपका 22 नंबर, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य किस संभावनाओं को बढ़ावा देता है? तो इसका आपका आंसर होगा पहला, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा, बिल्कुल सही। 23वां नंबर, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? 23वें का आंसर तीसरा होगा, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। 24वां क्वेश्चन आपका, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु का प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? 24वें नंबर का आंसर चौथा होगा, मूर्त सामग्री चित्र संकेत। 25वां क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझ पर जोर दे, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो 25वें नंबर का जो आपका आंसर होगा वो चौथा होगा, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। 26वां क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 26वां इसका आंसर चौथा होगा, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपका 27वां क्वेश्चन, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में की महत्ता पर बल देता है। आपका 27वें नंबर का जो आंसर होगा वो पहला होगा, पारंपरिक क्रियाओं। फिर 28वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? तो 28वें का जो आपका आंसर होगा वो दूसरा है, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। 29वें नंबर का जो क्वेश्चन है 29, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुधार करने हेतु एक अध्यापिका को, इसका आंसर आपका तीसरा होगा, जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। फिर तीसरा नंबर आपका 30 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, देखिए तीसरा 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30वां, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा चौथा, मतलब ABCD सभी, मतलब अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग और शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो ये 30 क्वेश्चन आपके हुए सीटेट जो 21 जनवरी 2022 में हुआ था, ये सॉल्व पेपर है, सीटेट पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक, पेडागॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट ने पेडागॉजी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा। तो जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में सफलता चाहते हैं वो प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं। ये प्रीवियस ईयर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ने पेडागॉजी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है, तो इसको आप अच्छे से लगाइए। ऐसे मेरी सीरीज चलेगी हर ईयर की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी की भी,
और जो इसके EVS के क्वेश्चन आते हैं इनकी भी, और उसके बाद फिर इंग्लिश की भी आपकी, मैथ की भी, सबकी मेरी सीरीज आएगी, वो आप लोग प्रीवियस ईयर के देखते जाइए। और लैंग्वेज की भी आएगी, जो भी लैंग्वेज आप चाहे इंग्लिश लीजिए चाहे हिंदी लीजिए कुछ भी, तो आप ये देखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी जो PDF वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।